There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. मित्रों, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है. आपको न्यूज डिबेट के नाम पर ये सब दिखाया जा रहा है. तुम्हारे जैसे दल्ले जो दिन रात अपने बैठे हैं, ये रे, ये भाषा नहीं मनोज काका. मनोज काका, आपकी पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है. ये भाषा नहीं अमीर जी, किस लेवल के प्रवक्ता बुलाए हैं ये? हैं, चेहरा देखो, चिन्नी चोर. जर्नलिज्म का सड़क पे गला घोटा जा रहा है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर न्यूज दिखाने के बजाय चैनल्स के प्राइम टाइम पर ये सब हो रहा है. पाकिस्तान में बरस गए बम. न्यूज के नाम पे सस्ती चंपक टाइप कॉमिक्स दिखाई जा रही है विद महा सस्ते विजुअल्स. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा सकते हैं. इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि एंकर की आवाज कहाँ से आ रही है, वो ऊपर खड़ा है एंकर. यस, यही है वो प्राणी जो अजीब अजीब ग्राफिक्स दिखा के लाखों व्यूज बटोरता है हर रात. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ लुक एट द बिगेस्ट न्यूज ऑफ लास्ट वीक. ईडी अरेस्टेड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल. फिर क्या था, सुहेल और उसकी ग्राफिक्स की टीम लग गई काम पे. केजरीवाल के ड्रॉइंग रूम में आपको लेकर चल रहे हैं, ये देख रहे हैं विजुअल्स ऑफ केजरीवाल इन हिज ड्रॉइंग रूम सराउंडेड बाय ईडी ऑफिसर्स. चारों तरफ से ईडी ने घेर लिया है. केजरीवाल सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग ईडी ऑफिसर्स. केजरीवाल बिहाइंड बार्स. केजरीवाल बिहाइंड बार्स विद हिज वाइफ स्टैंडिंग नियर बाय. केजरीवाल पर नोटों की बारिश, बिकॉज ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी ऑन रिपब्लिक भारत एटलीस्ट. केजरीवाल जेल में किताब पढ़ते हुए. सैयद सुहेल्स कॉमिक ग्राफिक्स असाइड, द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल इज सीरियस न्यूज विद सीरियस रैमिफिकेशंस फॉर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. आई विल गेट टू दैट इन डिटेल इन जस्ट अ बिट, बट फर्स्ट सम अदर मेजर हेडलाइंस ऑफ दिस वीक. बीजेपी हैज अनाउंस्ड कंगना रनौत एज देयर लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश. सोचिए इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा. फाइनली कंगना के लाइफ का सबसे बड़ा ऑडिशन सक्सेसफुल रहा. कब से बेचारी बीजेपी एमपी के रोल के लिए ऑडिशन पे ऑडिशन दे जा रही थी, कंगना की मेहनत सफल हुई. हर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्टेड विद अ वेरी पब्लिक ब्रेकअप विद ऋतिक रोशन दैट गेव अस दिस आइकॉनिक टीवी न्यूज मोमेंट. सो बाय नाउ यू आर मिस्टर कंगना रनौत. If I can put it, I'm being light-hearted about it. Then came the falling out with the Bollywood mafia after this Coffee with Karan appearance. Flag bearer of nepotism, the movie mafia. Nepo gang pe halla bolne ke baad, there was no looking back for Kangna. In 2019, Kangna publicly endorsed Prime Minister Modi, saying he's the rightful leader of the democracy. This was the starting of her audition of a lifetime. Now, what are the essentials to join the BJP? Number one, invent an enemy gang. Tukde tukde gang, toolkit gang, Latians gang. The Saboot gang. Saboot, Saboot, Saboot. And tonight, we are blasting the Saboot gang again. You get my point. Adarniya dear leader to created Khan Market gang in 2019. Election se theek pehle, yaad hai? ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग नाम जो आया है, ये सबसे पहले उसी जमाने में फरवरी 2016 में जी न्यूज ने ही देश को ये नाम सबसे पहले सुझाया था. ठीक है, क्रेडिट चोर गैंग सुधीर, वी गिव यू क्रेडिट फॉर दैट. सो भाई, बीजेपी में टिकट मांगता है तो एक दो गैंग इन्वेंट करने का है. एंड कंगना रिली स्कोर्ड पॉइंट्स ऑन दिस. मुझे नहीं लगता मैं किसी टुकड़े गैंग के पीछे खड़े होके देश उनको एम्पावर करूंगी. मैं फिल्म माफिया को कब से एक्सपोज कर ही रही हूँ. फिल्म माफिया. महेश भट्ट इज हिज बेस्ट फ्रेंड. द सुसाइड गैंग वाज देयर ऑलरेडी देयर. सुसाइड गैंग दैट किल्ड सुशांत सिंह राजपूत. यही नहीं, कंगना रियली गॉट क्रिएटिव विद हर गैंग फॉर्मिंग स्किल्स. कोई गैंग नहीं छोड़ा देवी जी ने. फेक टीयर्स गैंग, भिखारी फिल्म माफिया, नेपो गैंग, चंगू मंगू गैंग. ये क्या लिखा है स्क्रिप्ट में? Kangana wants Changu Mangu gang after alleging she is being spied on. Message to gang Changu Mangu. बच्चा, तुम्हारा किसी देहाती से पाला नहीं तो घर में घुस के मारूंगी. और जिनको लगता है कि मैं पागल हूँ, तुमको ये तो पता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने बड़े वाली हूँ. कितनी बड़ी वाली हो कंगना? How much पागल? How much पागल? Very much पागल. How much? Very much पागल. Very much पागल.
बीजेपी को शायद नहीं पता हाउ मच पागल. एनीवे, आफ्टर इन्वेंटिंग गैंग्स, थोड़ा बहुत लिबरल्स पे शिट करना भी जरूरी है. These liberals, they will not take you in their group unless you hate the same people as they do. Liberals are the first one to say, for my industry, people say, why should we be bothered with war? We are artists. A rape takes place in Kashmir and they say, Hindustan raped our daughter. To be pointing fingers at each other when the country is so vulnerable and trying to break a civil war? Trying to break a civil war? So much pagal, very much pagal. Anyway, moving on to requirement number 2, inventing conspiracy theories. You need to have creativity to invent conspiracy theories. You've heard BJP leaders say shit like Muslims are spreading corona as part of corona jihad. So, to get noticed in the BJP ecosystem, you need to get creative with man-ghadat kahaniyan. Kangna showed her credentials as an expert conspiracy theorist during the whole Justice for SSR saga, ably held by Arnab Goswami. I call it a murder. Because I do feel abetment of suicide in according to Section 57, it is as much of a criminal offense as physically killing one person. You know, I've been from day one been calling it murder. इस सब में जावेद अख्तर को गुस्सा दो. जावेद अख्तर has enough political connections to get away with pretty much anything in Mumbai. महेश भट्ट को भी डाल दो. महेश भट्ट इज हिज बेस्ट फ्रेंड. द सुसाइड गैंग वाज देयर ऑलरेडी देयर. सो दीस पीपल वर वल्चर्स, ब्लडथर्स्टी वल्चर्स. आदित्य चोपड़ा वगैरह वगैरह. आई एम नॉट सेइंग आदित्य चोपड़ा वांटेड हिम टू डाई और करण जौहर वांटेड. नो, दे डेफिनेटली वांटेड हिम टू बी डूम्ड. अब कुछ भी पेल दो. ड्रग जो है, जितनी भी कोकेन, LSD, एक्सटेसी, तो यहाँ पे खाने की तरह कंज्यूम होती है. कैन यू बिलीव दिस लेडी मे जस्ट बी सिटिंग इन आवर पार्लियामेंट दिस ईयर. By the way, as soon as Kangna was nominated for the Mandi seat, Republic re-uploaded Kangna's interview with Arnab. Kangna Ranaut's most bold interview ever to Arnab after Shashank Singh Rajput's unfortunate death. Unfortunate death? Hey, unfortunate death? Arnab, what happened to the murder theory? अरे देश उन गंजड़ियों, नशेड़ियों का सम्मान क्यों करे? पूछता है भारत. Bollywood माफिया को सुरक्षा मत दो. बॉलीवुड माफिया को जेल भेजो. क्या कातिलों को बचाने के लिए बॉलीवुड की एक लॉबी सुशांत के समर्थकों को निशाना बना रही है? सुशांत्स मर्डर वाज प्लान्ड ऑन द 8th एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द 14th. पूरे हिंदुस्तान का कभी इतना नहीं कटा होगा. मर्डर बोल बोल के 4 महीने तक सारी जनता को डिस्ट्रैक्टेड रखा कोरोना काल में, ओनली फॉर अर्नब टू नाउ से अनफॉर्चुनेट डेथ. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. Now coming back to Kangna, requirement number 3 to get noticed by the BJP, hate against parivarwad, nepotism. Now the BJP has time and again said that they are against parivarwad. Wrong picture यार. अरे wrong picture. He's joined the BJP. ये वाला royalty नहीं, wrong picture. यार not him. I like my morning walks guys. परिवारवाद के सरदार की फोटो लगाओ, असली फोटो लगाओ. Yes. BJP is against Gandhi wala parivarwad. Mujhe koi credit nahi chahiye. So Kangna has also fashioned herself as a noble fighter against nepo gang in the industry and parivarwad. See, Kangna can make her sister her manager. She can get her brother to manage her production company. Kangna kare to happy family, Karan Johar kare to flag bearer of nepotism. Aapne keh diya ki ye 4-5 khandan hai jo film industry chalate hain. To ye to baat sach hai. तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है. द होल नेपोटिज्म थिंग इन द पार्टी हैज बीन ह्यूजली अपॉलिंग बिकॉज यू नो आई वाज अ टारगेट ऑफ द सेम सिस्टम इन माय इंडस्ट्री. कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ देम ऑल, दिस इज अ मस्ट इफ यू वांट टू जॉइन द बीजेपी. दिस इज कंसिडर्ड टू बी नॉन नेगोशिएबल. लव फॉर द डियर लीडर. You need to have undying affection, loyalty, bharpoor andh pyar for the dear leader and you must show it. Maanye Pradhan Mantri ji ne is puri cheez, is puri yojna ka shilp ke roop mein, shilpkar ke roop mein ideas diye, architectural detail mein gehrai se dekha, hame samay samay pe margdarshan diya, bahut tez nigrani rakhi kya ho raha hai is karyakram mein. वो तो संत आदमी हैं, अकाउंट में पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं. लुक एट द प्रो पीपल पॉलिसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी.
He has worked day and night in the last 10 years, committed every single minute of his life towards the nation building. My boss, Prime Minister Narendra Modi, is the best. Kangna passed this test of loving the dear leader in full public view with flying colors. Mere pasandida person is Prime Minister Modi. Wo is desh ke liye jaise ek avatar hote hain. वो हमारे लिए एक अवतार हैं, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो उनकी जो देशभक्ति है, उनके जो संस्कार हैं देश के लिए, उनके उनकी जो भावनाएं हैं, वो सबके लिए प्रेरणात्मक हैं, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आज जिस तरह से वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे फ्रंट फुट पे किसी भी एनिमी को, पाकिस्तान को, चीन को जवाब देना हो, ये नया भारत का जो दौर है, जो उरी में भी बताया गया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा, तो वो भी मुझे लगता है ये अमृतकाल का ही दौर है। तो उनसे प्रेरणा सभी लेते हैं, हम डेफिनेटली उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक टाइम था जब मैं शॉर्ट्स पहनती थी, जब मैं टी शर्ट पहनती थी, यू नो, वो एक वक्त था जब मुझ में एक एस्पिरेशन है कि मुझे दुनिया में, मतलब कुछ भी हो, भारतीय ना लग के कुछ भी लगना है, एक वो हमारा माइंडसेट था। आज मुझे लगता है कि क्यों मैं एक साड़ी पहनूंगी जो हमारी भारतीयता को दर्शाता है। मोदी जी ने हमें साड़ी पहनना तक सिखा दिया। मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमें ये हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। इतनी भक्ति के बाद वैसे कंगना के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मंडी से सीट, हिमाचल प्रदेश से सीट, शी हैड बिगर प्लान्स यार। I was given the option of Gwalior during 2019 Lok Sabha elections. Himachal Pradesh population is hardly 60-70 lakhs, no poverty or crime. If I get into politics, I want a state with complexities I can work on and be the queen I am in that field also. Small fry like you won't understand big talks. So much content Kangna has given us over the years. There's so much stuff to comment on or criticize Kangna over, and there's so much you can expose her on, and yet Congress ne socha ki bhai loha garam hai, apne hi pair pe kuladi maar dete hain. Derogatory post on Kangna Ranaut from Congress social media head sets off political row. Denying her involvement, Supriya Srinath claimed it was posted by somebody who had access to her accounts. Yaar Congress walon, thode nuisance ke episode hi dekh liya karo comments karne se pehle. You'll come up with something better. This sexist, totally crass jibe by Supriya Srinath landed the Congress in quite a soup. The post was deleted, apologies were given, videos of Kangna calling Urmila Matondkar a soft porn actress was circulated. Ki bhai, what about Kangna? Kangna ne jo bola uska kya? Bhai Congress, we know Kangna is capable of this and more. Pagal hai, kuch bhi bolti hai. She is literally the queen of kisi ke baare mein kuch bhi bakwas bol do gang. You don't have to fall to her level to expose her. Now, of course, this remark by Supriya Srinath gave our anchors quite a bit of prime time fodder this week. Viewers, the Congress spokesperson put out a message on her social media handles asking in Hindi, Mandi mein kya rate chal raha hai? Mandi mein kya bhav chal raha hai? Waqai ye badi abhadra tippani thi. It didn't help that the distasteful commentary was accompanied by a risque photograph of Kangana Ranaut. एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो इससे पता चलता है कि सामने वाले को लेकर उसके भीतर कितनी नफरत मौजूद है। Being a woman, I know how it feels when shackles of patriarchy choke our abilities and even identity. When misogynistic forces try to bring down women merely for being women. Misogynistic forces trying to bring down women merely for being women? Where have I seen that before, Navika? On the news are tonight, we will expose team Rhea like never before. Was Rhea making allegations against Priyanka to sour the relationship? Women can be possessive. It's been seen in Indian families that, the wife or the girlfriend doesn't really like too much of the man's relationships with his own family. It's happened. All our Saas Bahu serials are made of it. Is Rhea lying every step of the way? Now, another written complaint by Rhea Chakrabarty, because she is absolutely tense about
Times Now's teams following her, asking her the questions that we're not getting answers for. Sushant asks Rhea, how's my baby doing? Is Rhea's family part of a bigger drug ring? Drugs. Navika, in fact, gave Kangana full platform to justify her soft porn comment on Urmila at the Times Summit this week. कुछ लोगों का कहना है कि आपने भी पास्ट में इस तरह की टिप्पणियां की हैं. उर्मिला मटोंडकर को आपने कहा सॉफ्ट पोर्न एक्टर है, तो अगर आपको कह दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सती सावित्री है. कुछ लोग कह रहे हैं आपने ऐसा कहा था एक बार. भाई नविका, तुम्हारे ही शो पे कहा था और तुमने रोका भी नहीं कंगना को एक बार when she said that. आग लगा के बोल रही हो कि भाई तू वहां कहां से आ रहा है. Urmila Matondkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? Navika said nothing back then, and again this week, she said nothing to Kangana when she did a terrible job of justifying her comments on Urmila. No, lekin aap mujhe bataiye ki soft porn ya porn star, is it an objectionable term? No, it is not an objectionable term. See, there is a word which is not acceptable socially. Hamare desh mein jitna porn star ko respect milta hai, aap poochiye Sunny Leone se, utna respect pure world mein kahin kisi ne mil sakta. Just look at her expression, yaar. Of course, Kangana was being very respectful when she called Urmila a soft porn actress. That was a mark of respect, you see. So much respect, very much pagal. जो आर्ट होता है, जिसको हम मासी आर्ट कहते हैं, या जो आपको सिर्फ टिटिलेट या फिजिकली स्टिमुलेट करता है, you know, हम that is also art form, but that will never come above the art which is intellectually motivating, which stimulates your mind and your intellectual body. I believe I belong to that parallel cinema artist. Kangana ki higher art, intellectually stimulating, versus Urmila ka masi ganda kaam. Most important requirement to make it big in the BJP ecosystem. Apne muh mia mithu bano. Aur koi kuch bole na bole, khud bolte raho ki tum kitne great ho. Chalo bhai, Kangana to Navika ki favorite hai hi along with Sadhguru. Jab kuch nahi hota hai karne ko, ye inka interview karti hai. But guess how many debates Navika did on the electoral bonds data story? Data between 21st March to 27th March 2024. We couldn't find a debate by Navika on electoral bonds. Only this interview with former CEC Sunil Arora. I want to begin with the biggest controversy this election season, which is the controversy over the electoral bonds. Syed Sohail, no debate on electoral bond between 21st and 27th, did a segment on 18th March. Sudhir has done no shows on the electoral bonds topic. Amish has also not done any debate on this issue. Arnab has so far done one debate. At the beginning of the week, the lobby thought that it had got a big story against one party, the BJP, on electoral bonds. At the end of the week, it appears that the opposition was very happily taking a lot of money. Did opposition have biggest donors? E-bond donors paid big bucks to TMC and DMK. Opposition had the biggest donors? Big bucks to TMC and DMK? Fine, they were in the list, but that's your takeaway. Republic jaise bade newsroom ko aur koi story nahi dikhi electoral bonds mein. Strange, because small newsrooms like News Laundry, News Minute and Scroll got together and were able to find many other stories other than TMC and DMK. Let's talk about one important story that we got out of the electoral bonds data. Delhi liquor scam ki hi baat kar lete hain, jiske chakkar mein Delhi Chief Minister abhi jail mein hai. Is case mein aapke leaders ke saath aur bhi businessmen aur liquor companies shak ke ghere mein aa gaye. उसमें से एक कंपनी है Aurobindo Pharma Limited. इस कंपनी के डायरेक्टर को ईडी ने लिकर स्कैम में अरेस्ट किया. शरद रेड्डी वाज अरेस्टेड बाय ईडी ऑन नवंबर 10, 2022. ठीक 5 दिन बाद रेड्डीज कंपनी Aurobindo Pharma 5 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदती है, जो कि सारा बीजेपी इन कैश कर लेती है. बेस्ट पार्ट, जून 2023 में रेड्डी लिकर केस में सरकारी गवाह बन जाते हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद हिज कंपनी Aurobindo Pharma बीजेपी को 25 करोड़ और देती है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन नवंबर 2023. इन मई 2023 व्हेन रेड्डीज बेल प्ली केम अप फॉर हियरिंग द ईडी डिड नॉट अपोज इट. आफ्टर ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, रेड्डी टर्न्ड अप्रूवर इन द केस ऑन जून 2nd 2023. Aurobindo Pharma डोनेटेड अनदर 25 करोड़ रुपीस टू द बीजेपी थ्रू बॉन्ड्स ऑन नवंबर 8th 2023. Now, we have found that on the same day,
two other companies connected to Aurobindo Pharma also donated 25 crore rupees to the BJP. Look, you don't have to support AAP or Kejriwal to see how dangerous the arrest of a sitting opposition chief minister is. Most importantly, because so far ED has no paper evidence against Kejriwal. अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हुई है पैसे की और कोई भी पेपर ट्रेल ईडी ने सामने नहीं दिखाया है। तो ईडी के पास प्रूफ है क्या? सरकारी गवाह लाइक शरद रेड्डी, मनीष सिसोदिया फॉर्मर सेक्रेटरी, के कविता सीए, मगुंता रेड्डी। नाउ द ईडी विल हैव टू बिल्ड अ केस ऑन द एलिगेशंस मेड बाय दीज सरकारी गवाज एंड प्रेजेंट एक्चुअल पेपर ट्रेल एंड प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू कन्विक्ट आप लीडर्स। In one of the hearings in this case, a judge told ED as much. No money has come to Manish Sisodia. How will you bring him under money laundering? Supreme Court asks ED in Delhi liquor policy scam case. In another hearing of this case, a judge told ED, how do you say that the kickback was given? That's entirely on the basis of approver statements. Mani sarkari gawa ke statements ke basis pe aap ye bol rahe ho. You've taken two figures, 100 crore and 30 crore. Who paid them this? There can be so many people paying the money, not necessarily connected to liquor. So no paper evidence so far, no money trail so far. To fir Manish Sisodia abhi tak jail mein hai kyun if ED has not presented any evidence? Thanks to Modi government's changes to the Prevention of Money Laundering Act. In 2019, Modi government brought changes to the PMLA. One big change was that if you're arrested under PMLA, you'll be declared guilty until proven innocent. Matlab, the onus is on you to prove your innocence. Remember, this is not the case in even murder cases. Usually, you're considered innocent until proven guilty. PMLA upturns this whole thing. Wow, kya scene hai? The other important change is that a court can only give bail in a PMLA case if judges are absolutely convinced that no wrongdoing has happened. And no judge can ever be convinced of no wrongdoing when the case is only at the early stage of its investigation. The result, you sit in jail for as long as it takes for ED to make a case without any bail. PMLA is one of the harshest laws on the books to tackle serious crimes like terrorism and drug trafficking. That is ED's mandate to fight tough crimes. Guess what? Since 2014, there's been a four-fold jump in ED cases against politicians. 95% of these cases are on opposition leaders. This is why countries like Germany and the US have said that they are watching the arrest of Delhi Chief Minister very carefully. पापा ने वॉर तो रुकवा दी लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या होगा? सोचने वाली बात है। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, डू रीड दिस पीस ऑन splainer.in बाय समर्थ बंसल। इट्स एन एक्सलेंट प्राइमर इनटू द केस। डू चेक आउट ऑल आर रिपोर्टिंग ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा विच इज अप ऑन आवर वेबसाइट ऑन newslaundry.com. Three newsrooms, News Laundry, News Minutes, Scroll, and a bunch of independent journalists have got together to bring you lots of stories on what this data says about crony capitalism in India. Do check these stories out on newslaundry.com. You can read them in Hindi and in English. And remember, we're able to do this kind of reporting because we are supported by you guys. You guys make our journalism possible. So remember, subscribe to newslaundry.com, support our work, support our journalism. We really need it now in the run-up to elections so we can bring you stories that matter, stories that are in public interest. Scan this QR code on your screen and join News Laundry's WhatsApp group. That's one WhatsApp group you want to be part of. You'll get all the updates on that group. From the nuisance episode to Tiffany episode to all our stories, all our shows, you'll get access to everything. So please join this WhatsApp group. Thank you so much for watching this episode. We'll be back next week. Until then, stay pagal, very much pagal.